हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड की जो अभी तक दो वीडियोस पर आप लोगों ने रिस्पांस दिया है, उसी को देखते हुए हमने एक और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जो कि है मैथ्स को लेकर। जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स से थोड़ा सा उनको फोबिया है, तो हम इस फोबिया को इस वीडियो में दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर राहुल गुप्ता जी, जो कि लास्ट 10 ईयर से एजुकेशन प्रोफेशन में हैं और एट प्रेजेंट टाइम में लेक्चरर हैं ब्लूमिंगडेल स्कूल में। तो सर से बात करेंगे कि क्लास 10th को लेकर किस तरीके से स्ट्रेटेजी को अपनाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होते हैं, थोड़ा सा प्रेशर वैसे भी होता है और मैथ्स को लेकर तो वैसे भी एक नया एक अलग ही तरीके का फोबिया होता है, तो उसके रिगार्डिंग सर से बात करते हैं। सर, अगर बात करें क्लास 10 को लेकर एग्जाम लेकर, तो मैथ्स को लेकर क्योंकि वैसे भी एक नया बोर्ड एग्जाम होता है, पहली बार दे रहे होते हैं, तो एक फोबिया पहले से ही होता है स्टूडेंट में कि किस तरीके से हम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, क्या होगा, कैसे नंबर आएंगे, तो मैथ्स को लेकर ये फोबिया और मुझे लगता है बढ़ जाता है, तो उसको लेकर स्टूडेंट्स को लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ बात क्लास 10th की है। क्लास 10th में बच्चा पहली बार बोर्ड को फेस करता है, तो उसे आसपास से कुछ लोकल अथॉरिटीज भी डरा देते हैं कि भाई स्कूल में दूसरे स्कूल में पेपर देने जाओगे क्या करोगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सबसे डरने की जरूरत नहीं है। वो भी स्कूल है, वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, टीचर्स वहाँ के भी है, कोई आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। दूसरी बात, मैथ फोबिया की ऐसा कुछ भी नहीं है, सबसे ईजी पेपर है हमारे पास। बात तो सीबीएसई बोर्ड ने आप लोग को अभी फायदा बताया, आपको शायद पता होगा कि मैथ पैड इसके दो सब्जेक्ट करती है, एक क्या हुआ है बेसिक और एक क्या हुआ है स्टैंडर्ड। जिन बच्चों को 10th के आगे मैथ नहीं लेनी वो बेसिक का यूज कर रहे हैं, और जिनको 10th के आगे मैथ लेनी है वो स्टैंडर्ड का फॉर्म भरते हैं। अब बच्चों को डराया गया है कि भाई स्टैंडर्ड का मतलब होता है पेपर बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड का मीनिंग सिर्फ इतना सा था कि पेपर वो बच्चे स्टैंडर्ड का देंगे जिनको आगे मैथ को कैरी करना है, यदि मैथ कैरी नहीं करना चाहते तो वो बेसिक मैथ पैड इसको ले लीजिए, पेपर टफ नहीं। सीबीएसई ने दोनों के लिए एक किताब इशू की थी एनसीईआरटी, पेपर बेसिक का भी उसी में से आना है, स्टैंडर्ड का भी उसी में से आना है। तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि मैंने बेसिक भरा है कि मैंने स्टैंडर्ड भरा है। आपको पूरा होल ईयर हो गया पढ़ते हुए, लेसन नंबर 1 से 16 तक की तैयारी भी की आप लोगों ने, कुछ चैप्टर्स में बहुत ईजी है तो कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम क्रिएटिंग भी है हमारे पास। सबसे पहला काम तो ये है कि भाई आप लोग हर चैप्टर के अपने नोट्स रेडी करें, नोट्स का मीन्स उसमें जितने फॉर्मूले हैं हमारे पास वो लिखे जाए। इसे मुझे उम्मीद है कि आप सबके पास लिखे हुए भी होंगे सारे फॉर्मूले, मतलब कॉपी दोबारा खोल लीजिए, चाहे तो उसको फिर से लिखिए एक बार सारे फॉर्मूले, देखिए क्या क्या था लेसन 1 में 2 में 3 में 4 में, अपने टीचर को भी दिखाइए एक बार उस कॉपी में उन्होंने क्या क्या लिखा रखा है, ताकि चेक करवा लीजिए एक बार कि जो आपने लिखा है वो सही है या गलत है, ताकि आपको भी याद रहे कि कहीं आपने गलती याद कर लिया तो फिर पेपर में आप गलती करते हैं कि भाभी अफसोस बताएंगे कि सर हमसे गलती हो गई, तो उसकी जरूरत नहीं। एक बार टीचर को दिखा लीजिए, इतना बड़ा कोर्स नहीं, एनसीईआरटी को रेडी करिए पूरा पेपर। फिर वही बात कि पेपर 80 मार्क्स का होगा, सीबीएसई का पहले से इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, यदि आपने सीबीएसई को देखा हो तो बता भी रखा है कि 60% पेपर आपका एनसीईआरटी में से आते हैं। तो पहला स्टेप तो वही है कि अपने एनसीईआरटी को कैसे भी करके रेडी करें, फाइनल टच उसी को दीजिए, उसके बाद सैंपल पेपर से वो करिए, और प्लीज अबाव में बच जाइए कि मैथमेटिक्स बहुत डरा रही है, बहुत डरा रही है, पूरे साल मेहनत की, आराम से पढ़े, इत्तेफाक से जब वो छुट्टियां बहुत पहले आपको इस बार बोर्ड में, शायद इससे पहले पेपर 4th मार्च को होना है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर जो आपको 12th मार्च को है, वो जो होली भी है बट 10 घंटे का गैप आपको मिला हुआ है, वो काफी है पेपर से पहले आपको रिविजन डालने के लिए। जैसा कि आप एनसीईआरटी का डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी प्रॉपरली शुरू हो गई है, तो अगर हम बात करें तो क्या स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के तौर पर क्या एडिशनल बुक पर भी ध्यान देना चाहिए एनसीईआरटी के कंपैरिजन में? बिल्कुल सर, मार्केट में बहुत सारी एडिशनल बुक्स भी आती हैं, यदि बच्चा चाहता है तो एडिशनल बुक्स को भी परचेस कर सकता है, क्वेश्चंस को कर सकता है, बट करने से पहले एक बार ये देख ले कि मुझे टॉपिक करने चल रहा है वो एनसीईआरटी को होल्ड करता हुआ है या नहीं, यदि एनसीईआरटी को होल्ड करता हुआ है तो डू इट फॉर प्रैक्टिस पर्पस, मैथमेटिक्स में कर सकता है, एक किताब में दो के ऊपर टाइम हो दो किताब से करने की कोशिश करूंगी। मैथमेटिक्स प्रैक्टिकली बेस्ड है, जितना आप हाथ करोगे, इतना मेहनत करोगे, जितना क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना आपका हाथ साफ हो जाएगा, प्रैक्टिस करने में आपको मजा आएगा, क्वेश्चंस भी इजी रहना शुरू हो जाते हैं अपने आप से ही। अब एनसीईआरटी में क्या है, कोई एक चैप्टर बना के दिया उसमें 15-20 बहुत हुआ तो 50 क्वेश्चन पुट अप कर दिए, उसके बाद चैप्टर को क्लोज कर दिया, आपको लगता है चैप्टर में आपको मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है,
तो उस एक्सरसाइज को आप हटाइए मत, कोई दूसरी बुक पढ़ाइए एडिशन, उसमें से क्वेश्चन करिए, बट करने से पहले एक बार ये देख लीजिए वो टॉपिक जो है आपके एनसीईआरटी में है या नहीं। तो जितनी भी एडिशनल बुक्स है वो सीबीएसई की तरफ से इशू नहीं की जाती, वो तो बनाई थी कंपटीशन लेवल के लिए, तो उसमें कंपटीशन लेवल का भी दिया हुआ होता है, बट इन टेंथ कंपटीशन लेवल का कुछ भी नहीं आता, तो आप उसको अभी रोक सकते हैं। बहुत ही लास्ट मोमेंट है, आपका पेपर बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, तो आप वो तैयार करो जो एनसीईआरटी का है, उस पर बेस कुछ जो दे रखे हैं हमारे पास एडिशनल बुक्स में, तो वो भी आप तैयार करो, और फाइनली आप पिछले 5 या 6 साल के सैम्पल पेपर देखो मार्केट में होंगे वो आप जरूर करो, सैंपल पेपर में जो बोर्ड के पेपर आपको मिल जाए वो आप जरूर करके देखो, जिन बच्चे कर रहे होंगे देखा भी होगा पिछले 5 या 6 साल में क्वेश्चन आ रखे हैं पेपर में, वो सब वही क्वेश्चन है लॉट फेक करके, किसी में कोई लैंग्वेज चेंज कर दिया तो किसी में डिजिट चेंज कर दी, बट ओवरऑल बेसिक पेपर का वही है, कोई बढ़ाते नहीं कोई कम नहीं करते। अच्छा सर, अगर बात करें क्वेश्चन पैटर्न की, उन्हें की क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग है वो किस तरीके से उन्हें रखनी चाहिए अपनी? सर इस बार भी क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया गया, इस बार ही पेपर में जहाँ 10th में मल्टीपल क्वेश्चन को जोड़ा गया है, अब वो क्वेश्चन बच्चों को थोड़े बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रहे हैं, रीजन क्या है कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन भले ही मल्टीपल च्वाइस है बट करके तो उसको वो भी देखना है, डायरेक्ट आंसर तो उसका भी नहीं पता उसको क्या आंसर लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या है कि जो 15 मिनट पेपर रीडिंग के मिलते हैं वो बहुत एसेंशियल होंगे बच्चे के लिए, यदि उस 15 मिनट में बच्चे ने सिर्फ बातें की तो पेपर में दिक्कत होगी उसको, वो 15 मिनट इसलिए मिले कि मल्टीपल क्वेश्चन को देख ले कि कौन कौन से क्वेश्चन उसको आते हैं, जो आते हैं उनके आंसर को अपने दिमाग में फगे, जैसी कॉपी को कहते हैं स्टार्ट राइटिंग, तो उनको पहले पुटअप करके लिख लो उसके आंसर, वो ज्यादा एसेंशियल रहेगा बच्चे को ताकि टाइम बच सके उसका, टाइम बचाना बहुत जरूरी है, इससे पहले जब मल्टीपल क्वेश्चन नहीं थे तो पेपर में शायद 30 क्वेश्चंस आते थे, इस बार से 40 क्वेश्चंस कर दिए, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए है, टाइम उतना ही रखा है, तो प्लीज इस बार पर फोकस करिएगा कि जो आता है उसको पहले करिए। एक चीज और भी है, मैंने देखा था कि बच्चे घर पे आकर लास्ट में बोलते हैं कि सर हमारे 4 क्वेश्चन रह गए हम छोड़ आए हमें दिमाग में ही नहीं आया, तो आपने कभी ध्यान दिया हो तो टीचर की कॉपी के ऊपर लिखा हुआ होता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 30 तक नंबर, हम ये चेक करते हैं तो टिक कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 किया आपने, 5 किया उसमें नंबर दिया ऊपर लिख देते हैं 2 मार्क्स दिया, क्वेश्चन नंबर 6 किया 3 मार्क्स दिए ऊपर एंट्री कर देते हैं, कभी आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर देते हो तो हम लिख देते हैं उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्योंकि हम नंबर दे चुके होते हैं, ये सेम काम आप भी कर सकते हो, कॉपी के लास्ट पेज पे जाओ पर नंबर लिख दो 1 से लेकर 35 तक जितने भी क्वेश्चन है, आपने 1 सॉल्व कर लिया आंसर आ गया वहां कट कर दो, क्वेश्चन नंबर 2 किया आंसर आ गया कट कर दो, 3 किया नहीं आ रहा लिख दो उसके आगे चेक कर दो, पूरा पेपर जब आपका हो जाएगा लास्ट जैसे वो पेज खोलोगे तो क्लियर हो जाएगा आपको देखते ही कि मेरे फर्स्ट से लेके सारे हो चुके हैं, थर्ड चेक करना है, 7th चेक करना है, 9th चेक करना है, तो टाइम बचेगा आपका, इससे वो आप इसको जरूर यूज करो ताकि आपको भी फायदा मिले, ऐसे टीचर पॉइंट ऑफ व्यू जब कॉपी चेक करता हूँ तो मैं भी इसको यूज करता हूँ, तो फिर आप भी तो स्टूडेंट हो, पेपर तो आपको भी देना है, मेन पेपर तो आप ही लोगों का है, तो आपको ज्यादा फोकस करना है इस चीज पर, इनसेड ऑफ कि आप पन्ने पढ़ते हो बार बार, कॉपी में 64 पेज में मैथ में आती है 48 पेज में आती है, पलटना बहुत दिक्कत देता है, कहाँ क्वेश्चन किया है कहाँ नहीं किया है, गाड़ी में चल रही होती है भाग रही होती है, उससे हम लोग क्या रहते हैं, तो वो काम आपको थोड़ी हेल्प करेगा। अच्छा सर, अगर एवरेज और बिलो एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें तो कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिन्हें उन लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए जिससे कि मार्क्स जो हैं एक प्रॉपर और एक सेटिस्फाइंग मार्क्स उन लोगों को प्रोवाइड हो सके? सर उसमें लेसन नंबर फर्स्ट और लेसन नंबर सेकंड, एक तो पॉलिनोमियल्स का है और एक रियल नंबर्स का है, इस बार बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में आएगा तो प्लीज रेडी करिए उसको, उसके बाद लास्ट में आप पहुंचते हो तो आपको मिलता है मेंसुरेशन, उसमें 2 चैप्टर आते हैं, ये रिक्वेस्ट सर्कल आता है और एक आता है हमारे पास मेंसुरेशन का कर्व सरफेस एरिया वॉल्यूम का, वो तैयार करो 11 मार्क्स में, लास्ट के 2 चैप्टर प्रोबेबिलिटी का है और एक है स्टैटिस्टिक्स, वो अपने आप में काफी इजी हो आई थिंक 11 मार्क्स से पेपर में आती भी है, तो ये आपको पासिंग मार्क्स के लिए है, उसके लिए 4 या 5 चैप्टर जो आप तैयार करके रखो, एक चैप्टर था ज्योमेट्री, बच्चों को बहुत डर लगता है ज्योमेट्री से कि सर बहुत दिक्कत देती है, कब आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हो आपको ही पता होता है, किसी नए क्वेश्चन मैं कैसे करूंगा, मैं समझ सकता हूँ प्रॉब्लम है उनके साथ में, बट कम से कम उस चैप्टर की पहले एनसीईआरटी पूरी कर लो, उनके चैप्टर और भी आता है यदि आपने नाम सुना हो कंस्ट्रक्शन, सिंगल चैप्टर है कंस्ट्रक्शन का, आपको देखा हो पेपर में तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स उसमें से आता ही आता है, वो कंपल्सरी क्वेश्चन है, उसके से 20 से 25 क्वेश्चन दे रखे उसके, उसको जरूर रेडी करो, भाई पूरी ज्योमेट्री आप नहीं कर पा रहे समझ में आता है, बट वो क्वेश्चन जो पेपर में आना ही आना है उसका वो जरूर तैयार करके रखो, थोड़ी आपको हेल्प मिलेगी पेपर के लिए। अच्छा सर, अगर आपका लास्ट सजेशन कोई क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए होगा तो वो किस तरीके से लास्ट आप सजेशन में क्या कहना चाहेंगे? सर क्लास 10th स्टूडेंट्स पर मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, पहला स्ट्रेस मत लीजिए, आपके पहले एग्जाम दे रहे हैं जैसे आपने क्लास 9th में एग्जाम दिए थे बिल्कुल वैसे एग्जाम दीजिए, प्रॉपरली सोइए,
जितना खेलते हैं थोड़ा बहुत वो भी जरूरी है हमारे पास, ऐसा नहीं कि दिन भर किताबें किताबें। स्ट्रेस मत लीजिए, आराम से पेपर दीजिए, जो आपने पढ़ा है साल भर कॉपीज है आपके पास, उनको खोल के देखिए क्या पढ़ रखा है, उन करके देखिए, प्रैक्टिस करो, करिए मोर देन एनफ। थैंक यू सो मच सर, और मुझे लगता है क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स को थोड़ा रिलीफ महसूस होगा इस वीडियो को देखकर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर, थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने समझा कि आप क्योंकि फर्स्ट टाइम आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जो आप जो 15 मिनट्स का जो टाइम सीबीएसई बोर्ड आपको रीडिंग के लिए दे रहा है, उसमें आप कुछ ऐसे पॉइंट्स को जरूर कर लें जिससे कि आपको पूरे टाइम में वो 15 मिनट ज्यादा बेनिफिशियल हो सके। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होते हैं, जैसा कि सर ने नंबरिंग के रिगार्डिंग बताया आपको, फॉर्मूलास के बारे में रिगार्डिंग बताया, प्रॉपरली अपने फॉर्मूलास को नोट डाउन कर लें। और जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा वीक हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि हम मैथ्स में स्कोर गेन नहीं कर सकते। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है कि अगर आप प्रैक्टिस करें तो उसमें स्कोर गेन नहीं हो सकता। अभी भी टाइम है, अगर आप प्रॉपरली अपनी स्टडी को अभी भी करते रहें तो एक अच्छे सेटिस्फाइंग मार्क्स आप अभी भी पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। और जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, जो भी भाई लोग देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे कि उन्हें इस स्ट्रेटेजी को लेकर और इस प्लानिंग को लेकर वो अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।